बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6.2 मैथमेटिकल मेथड बाय S.M यूसुफ, इसकी डेफिनेशन बेसिस और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो बेसिस की डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पैनिंग अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर V। क्या मतलब कि वेक्टर स्पेस V की बेसिस के लिए ये कंडीशन है कि एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और सेकंड है कि वो स्पैन करता हो। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर किसी सेट पे प्रूव हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो तब हम उस सेट को कहेंगे बेसिस फॉर वी। ठीक, एक दफ़ा नॉट से डेफिनेशन देख लें। अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर विच जनरेट और स्पैन अ वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर वी। ठीक है, जनरेट और स्पैन हमने पीछे पढ़ चुका है कि जनरेट और स्पैन क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब लेट करें कि हमें कि एक सेट दे दिया गया है और हमें ये कह दिया गया है कि इसको आपने प्रूव करना है कि ये सेट बेसिस बनाता है कि नहीं। तो हमने पहले जो वर्किंग रूल है, फर्स्ट स्टेप है जो वर्किंग रूल का, वो क्या करना है, डेफिनेशन के मुताबिक वी हैव टू प्रूव द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसको इन सेट ऑफ वेक्टर्स को प्रूव करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड हमने प्रूव करना है कि ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है जनरेट और स्पैन अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये थ्री डिमेंशनल स्पेस का है। ठीक है, और स्पैन का आपको अगर हम कहते हैं, यहाँ कहा गया है कि ये जो सेट है ऑफ वेक्टर है ये प्रूव करें कि ये थ्री डिमेंशनल स्पेस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस बनाता है तो नहीं। तो इसके लिए क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस जो है वो थ्री डिमेंशनल स्पेस की बेसिस इसने बनानी, तो इसके लिए लाजमी है ये थ्री डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को जनरेट करें या स्पैन करें। तो आपको पता है जनरेट और स्पैन, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं क्योंकि हमने किसी भी वेक्टर को थ्री डिमेंशनल स्पेस के लेना है तो हम उसके किसी भी वेक्टर के लिए चेक करना है कि ये बेसिस बनाता है कि नहीं। ठीक, तो इसलिए थ्री डिमेंशनल स्पेस के किसी भी वेक्टर की स्पैनिंग हम डिटरमाइन करेंगे। तो हमने जनरल वेक्टर लिया थ्री डिमेंशनल स्पेस का, ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिखा और अब हमने यहाँ से वी हैव टू फाइंड द ए बी सी स्केलर्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी। ठीक है, और एक और बात है, अगर तो आपने ये स्पैन प्रूफ करना है तो ठीक है, इस तरीके से तो बहुत अच्छा है क्योंकि अब हम लोग जब 7th चैप्टर में जाएंगे तो तब एग्जांपल्स में भी इसी तरीके से प्रूव किया गया है बेसिस को, तब वहाँ भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। लेकिन ये जो स्पैन है इसको प्रूव करने के लिए एक सेकंड मेथड है, ये एक थ्योरम भी है बुक में, वो अब हम अभी नहीं करेंगे। अ सेट ऑफ वेक्टर्स दैट इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस थ्री डिमेंशनल स्पेस विल जनरेट और स्पैन द वेक्टर स्पेस थ्री डिमेंशनल स्पेस इफ डिमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस दैट इज थ्री डिमेंशनल स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। कहा गया है कि अगर डिमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, जो कि यहाँ हमारी क्या है, इसकी डिमेंशन 3 है, इक्वल हो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के। अब ये आप कह लें कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ इसकी जो डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस है वो भी 3 है, तो ये इक्वल अगर हो तो तब हम कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये जनरेट करता है या स्पैन करता है वेक्टर स्पेस थ्री डिमेंशन को। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आप बुक से भी देख सकते हैं, ये देखिए थ्योरम्स 6.1 है। एनी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन अ बेसिस, मतलब कि वो थ्री डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, फोर डिमेंशनल स्पेस हो,
up to so on the basis contain karega. इसको हम प्रूव नहीं करेंगे अभी. नेक्स्ट डिमेंशन की डेफिनेशन है, डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी और बड़ा फील्ड है. रिटन डिमेंशन वी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस फॉर वी. तो गाइस ये कहेंगे कि आप लोग कहेंगे पीछे हमने ये देखें, ये जो थ्योरम है इसमें डिमेंशनल लफ्ज़ है, ठीक है, और इसमें जो है डिमेंशन है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस फॉर वी इज कॉल्ड द डिमेंशन, ठीक है, इसको हम इस तरीके से. नेक्स्ट थ्योरम है ऑल बेसिस ऑफ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. मतलब कि बेसिस में आपके जितने वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस बना रहे हैं, उन नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल होंगे डिमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है. वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं, फिर हम 8-7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज अ बेसिस फॉर ट्रू डिमेंशनल स्पेस. ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमने प्रूव करना है कि ये बेसिस हैं वेक्टर स्पेस, टू वेक्टर स्पेस की कि नहीं. तो हमने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को किसी भी डिमेंशनल स्पेस के ये प्रूव करने के लिए कि वो बेसिस है कि नहीं, उसके लिए हमें दो काम करने होंगे. एक, वो जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनको हमने चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, और दूसरा हमने क्या करना है कि ये जो डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसके लिए ये वेक्टर स्पेस है बेसिस, उसको ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है जनरेट करता है कि नहीं. तो पहले फर्स्ट वी विल चेक द इंडिपेंडेंसी फॉर स्केलर ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, ये आपको पता है हमने कैसे करनी है, ठीक है, ये यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यूज फाइन कर लेंगे, ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, सो गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब हमने सेकंड जो है वो चेक करना है कि ये जनरेट करता है कि नहीं सेट, मतलब कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है गिवन, ये टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है कि नहीं. तो है वो हम पीछे जिस तरह करते थे, ठीक है, 6.1 में, उस तरीके से भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक, ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं होगा. ये देखें यहाँ पे हम टू डिमेंशन वेक्टर स्पेस की स्पैनिंग चेक कर रहे हैं गिवन सेट ऑफ वेक्टर से, ठीक है, यहाँ से हमने एक्स और वाई को इक्वेट किया, ठीक है, ये ए की वैल्यू निकाली और ये बी की वैल्यू निकाली. अगर ये ए और बी इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई फाइंड हो जाएं तो तब हम करेंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है टू डिमेंशन वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है. तो हमारी दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी. जब दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे सेट ऑफ वेक्टर जो है गिवन सेट ऑफ वेक्टर फॉर्म अ बेसिस फॉर टू डिमेंशन स्पेस, ठीक है. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर डिमेंशन जो है वो इक्वल हो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो तब ये बेसिस बनाएगी, मतलब कि तब ये जनरेट ज़रूर करेगा, लेकिन ये वाला मेथड जो है ये बेस्ट है. इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये देखें यहाँ से ए और बी ये लिनरली इंडिपेंडेंसी पहले आपने प्रूव करनी है, सेकंड आपने स्पैनिंग आपने जिस तरीके से 6.1 में करते थे प्रूव उस तरीके से करनी है, ठीक है. इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर डिमेंशन जो है वो इक्वल है लिनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर तब आप कह सकते हैं कि ये फॉर्म अ बेसिस सेट जो ऑफ वैक्टर है गिवन सेट ऑफ वैक्टर फॉर्म अ बेसिस. नेक्स्ट गाइस जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि वो सिर्फ थ्री डिमेंशन वेक्टर स्पेस में, उसके बाद आपने स्पैनिंग चेक करनी है, दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो आपका जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर है वो क्या करेगा स्पैन करेगा. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करना है आपने, ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें. वेरीफाई दैट पॉलिनोमियल्स, ये फोर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, फॉर्म अ बेसिस फॉर पॉलिनोमियल विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3. फर्स्ट हमने ये पार्ट है, मतलब कि इन ये जो पॉलिनोमियल है इनको हमने प्रूव करना है कि ये इस पॉलिनोमियल के लिए बेसिस बनाते हैं कि नहीं. सेकंड जो है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर 1 प्लस एक्स एंड नंबर 2 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस वेक्टर. मतलब कि ये जो बेसिस वेक्टर अगर ये बेसिस बनाते हैं तब हमने ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनकी
इनको इन बेसिस ऑफ वेक्टर्स के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन है, वी वांट टू शो दैट द सेट ऑफ पॉलीनोमियल फॉर्म अ बेसिस फॉर पॉलीनोमियल्स विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। फर्स्ट वी प्रूव दैट दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये देखें, आपको पता है अब लीनियरली इंडिपेंडेंट किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। ए बी और सी और डी आपने स्केलर्स लेने हैं और उनको इस हर टर्म्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है और ए बी और सी की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर ए बी सी वैल्यूज़ 0 के इक्वल आ गई तब ये जो सेट ऑफ सेट है पॉलीनोमियल का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये देखें यहाँ पे, यहाँ से x की पावर के लिए ऐसे हमने कोफिशिएंट को इक्वेट किया है, यहाँ पे x का क्यूब x नॉट मतलब कि x की पावर 0 की डिग्री ये है। नेक्स्ट ये माइनस बी x की पावर 1 की डिग्री के लिए ऐसे माइनस ए माइनस 3c x के स्केयर के लिए ऐसे b माइनस d x के क्यूब के लिए ऐसे, ठीक है। तो ये हमने फोर्थ इक्वेशन होगी, b इज इक्वल टू 0 है तो ये b इसमें पुट करेंगे, d भी 0 आ जाएगा, ठीक है। b और d की वैल्यू हम इसमें d की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो तब हमारे पास a और c ये और ये a और c रह जाएगा। हमने a और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो देखते हैं, वहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में पुट करेंगे और c की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 0 आई है, और वो जो c की वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो भी 0 आ जाएगी। हेंस द गिवन सेट ऑफ पॉलीनोमियल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एज डिमेंशन ऑफ दिस इज 4। क्यों 4 है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि इसमें विद 0 डिग्री पॉलीनोमियल इंक्लूड है। ये देखें आप, ठीक है, मतलब कि x की पावर 0 इंक्लूड है ना, इसलिए ये 4 है। अच्छा, एंड नंबर ऑफ वेक्टर इन सेट इज आल्सो 4, सो द गिवन सेट ऑफ फॉर्म अ बेसिस फॉर पॉलीनोमियल विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। नाउ वी एक्सप्रेस, मतलब कि ये हमारी बेसिस तो प्रूव हो गई है, अब हमने क्या एक्सप्रेस करना है। आप इसको इस तरीके से भी, स्पैनिंग के तरीके से जो हमारा दूसरा तरीका है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब ये डिमेंशन इक्वल होती है नंबर ऑफ वेक्टर के तब वो स्पैन लाजमी करता है। नो वी एक्सप्रेस वन प्लस एक्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर्स, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता है किस तरीके से एक जनरेट जहाँ स्पैनिंग ही कह लें कि स्पैनिंग के तरीके से हमने इसको प्रूव करना है। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया ना, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके हमने देखना है कि वो वैल्यू फाइंड करके हमने अगेन इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। ये जो हमने लेटर लिखी है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू और डी की वैल्यू आपने पुट करनी है और फिर आपको सिंपलीफाई करना है। अगर ये चीज़ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद सिंपलीफाई ना किया गया हो, ये देखें यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये देखें, आपने यहाँ कोफिशिएंट्स के लिहाज से इक्वेट करना है आपको, यहाँ पे b की वैल्यू -1, d की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, ठीक है। ये देखें हमने यहाँ पे पुट कर दी है, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस और d इज इक्वल टू दिस। नाउ वी मतलब कि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं इसको सिंपलीफाई करके कि राइट हैंड साइड इक्वल आती है लेफ्ट हैंड साइड के कि नहीं। नाउ वी एक्सप्रेस x प्लस x का स्क्वायर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर, लेट करें x प्लस x का स्केयर, ठीक है। मतलब कि हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, अब हमने a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर हम वैल्यू फाइंड कर सके तो तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, अगर वैल्यू ना फाइंड कर सके तो फिर ये नहीं लिखा जा सकता। और दूसरा कि हम जैसे
पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको आप चेक कर सकते हैं वैल्यू फाइंड करके, इसमें पुट करके, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के तो वो उसका लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको भी आपने इसी तरीके से ये देखे करना है। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस वन, d इज इक्वल टू माइनस वन, c इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फोर, और एक वैल्यू होंगे ये a इज इक्वल टू इलेवन बाई फोर्टीन फोर। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर दी तो ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग द टेक्निक ऑफ थीरम 6.1 ऑफ कास्टिंग आउट वेक्टर विच आर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर, फाइंड अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ द गिवन सेट स्पेनिंग द सेम सब। पहली बात है कास्टिंग आउट वेक्टर विच आर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर का क्या मतलब है? ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर्स के साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें उन वेक्टर्स को, तो वो वेक्टर उससे वेक्टर के इक्वल आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर है इन तीन या दो या एक वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन के लीनियर कम्बिनेशन है। अभी हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब भी आप देखेंगे सही तरीके से समझा देगी आपको। फाइंड अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ द गिवन सेट स्पेनिंग द सेम स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट ये गिवन सेट है। ठीक है, अब हमने एक इसमें ऐसा वेक्टर पहले देखना है जो दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ठीक है, -2, -6, -2, -1, -3, -1 के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाता है। लिहाजा ये जो वेक्टर है -2 जिसके कोऑर्डिनेट -2, -6 और -2 हैं, ये इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लिहाजा ये लीनियर कॉम्बिनेशन है और हमें कहा गया है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो दूसरे वेक्टर का उसको हमने कास्ट आउट कर देना, मतलब कि उसको हमने सेट से निकाल देना है। वी कास्ट आउट -2, -6, -2 एंड ऑब्टेन द सबसेट दिस, मतलब कि ये जो वेक्टर है इसको हमने इस सेट से निकाल दिया। इसको निकालने के बाद मज़ीद हमने देखना है कि कोई ऐसा वेक्टर तो नहीं है जो दूसरे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो हमने ये वेक्टर लिया, कोई आप एक ले सकते हैं, हमने ये लास्ट वाला लिया और इसको दूसरे दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। अब हम ए बी और ये मतलब कि जो स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे, अगर वैल्यूज निकल आए तो तब ये जो वेक्टर होगा इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये मल्टीप्लाई 1/2 एंड एडिंग इन 3, आपने किसी भी तरीके से आप ए और बी की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। आपकी हमारे पास वैल्यू आई है ए इज इक्वल टू -3 और बी इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को हमने उस लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट करना है। आप इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लिहाजा ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिहाजा ये वेक्टर भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, हम इसको भी कास्ट आउट कर देंगे और हमारे पास रिमेनिंग ये सेट रह जाएगा। अब ये जो सेट है ये दो वेक्टर्स में मुतमिल है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? सिंस वेक्टर विद कोऑर्डिनेट्स 2, 1, -4 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर, सो दिस सेट इज द रिक्वायर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विच स्पैन द सेम सबस्पेस एज द गिवन सेट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। यहाँ देखें, ये देखें, मैंने ये यहाँ पे चेक किया हुआ है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 आता है। जब बी ए और बी 0 आता है तो तब ये जो है वैक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो तब ये स्पैन करेगा सेम सबस्पेस को। नेक्स्ट पार्ट 2 है, 1 साइन का स्क्वायर कॉस 2 एक्स और कॉस का स्क्वायर एक्स का एक सेट है इन द स्पेस ऑफ ऑल द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। पहले हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को कास्ट करना है, तो कॉस 2 एक्स है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मतलब कि कॉस 2 एक्स इज इक्वल टू कॉस का स्क्वायर एक्स माइनस साइन का स्क्वायर एक्स, ये हमें फार्मूला याद है। ठीक है, अब ये कॉस का स्क्वायर एक्स भी इसमें है, साइन का स्क्वायर एक्स भी इसमें है, लिहाजा ये जो कॉस 2 एक्स है इन दो कॉस साइन का और कॉस के स्क्वायर एक्स का
लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इस ये कोस के स्केयर एक्स और साइन के स्केयर एक्स से जनरेट हो रहा है। तो सो विद द स्केलर मल्टीपल्स 1 और माइनस 1, ठीक है। तो लेते हम कोस टू एक्स इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोस के स्केयर एक्स एंड साइन के स्केयर एक्स, वी कास्ट आउट कोस टू एक्स एंड ऑब्टेन द सबसेट दिस आल्सो। अब हमारे पास ये सेट रह गया, यहाँ से आप कोस का स्केयर भी ले लें या साइन का स्केयर ले लें, कोई मसला नहीं। अब कोस का स्केयर हम ले रहे हैं इज इक्वल टू 1 माइनस साइन का स्केयर एक्स। तो ये जो है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब कि एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन है। कोस का स्केयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड साइन का स्केयर एक्स, वी कास्ट आउट कोस का स्केयर एक्स एंड ऑब्टेन द सबसेट दिस, ठीक है। सिंस नन ऑफ 1 एंड साइन का स्केयर इज मल्टीपल ऑफ द सो 1 एंड साइन का स्केयर एक्स का जो सेट है इज द रिक्वायर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विच स्पैन द सेम सबस्पेस एज द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ द फॉर वेक्टर्स। और ये एक बार याद रखिएगा, वो ही सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, जो लीनियर जिसका जिनमें कोई भी एक वेक्टर ऐसा हो जो दूसरे वेक्टर से जनरेट हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जो दूसरे वेक्टर को जनरेट कर सके, मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकते। तो ऐसे सेट जो होता है उस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आप ए और बी स्केलर मल्टीपल ले भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं एक्स की कुछ भी वैल्यूज पुट करके, और ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से आपने पार्ट थ्री को करना है। ये सेट है गिवन, यहाँ पे 3x माइनस 4 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ऑफ 4x प्लस 3 एंड 1 के, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे आपने 4 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और ये माइनस 4 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे अब 3/4 यहाँ पे 3 ऐड भी करना है, मतलब कि 4x में 3 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। जो आपका एडिशन वाला 3 है उसको आपने एज इट इज़ रहने देना है, जो माइनस वाला 3 है उसको आपने उसको ये जो टर्म है 3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 4 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ये माइनस 4 इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से -25 डिवाइडेड बाई 4 और ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से आपको ये प्रूव हो गया कि ये जो वेक्टर है ये इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लिहाजा हम इसको कास्ट आउट कर देंगे और रिमेनिंग हमारे पास ये सेट बची की जाएगा। इस सेट को अब हमने एक्स माइनस एक्स का स्केयर लेना है और इसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए प्रूव करना है, ठीक है। ए बी सी की हमने वैल्यू निकालनी है, अगर ए बी सी की वैल्यूज निकल आए तो तब हम कहेंगे कि ये इस एक्स माइनस एक्स का स्केयर इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये देखें यहाँ से ऐसे हमने निकाली, सी की वैल्यू इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, ए इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको इस ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है लेट जो हमने किया है उस वैल्यूज को उसमें पुट करना है, हेंस एक्स माइनस एक्स का स्केयर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 4x प्लस 3 एंड एक्स का स्केयर प्लस 2, वी कास्ट आउट एक्स माइनस एक्स का स्केयर एंड ऑब्टेन द सबसेट दिस, ठीक है। अब ये सबसेट है, अगेन हम इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे। अगर ये तीनों जो वेक्टर्स हैं अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो इनमें से कोई भी वेक्टर ऐसा ना होगा जो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, ठीक है। तो हम इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंसी यहाँ पे चेक करेंगे ए बी सी, और ये देखें इक्वल टू 0 आई है। हेंस दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विच स्पैन द सेम सबस्पेस एज द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स।